इसने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाई हूँ मैं। इलायची डालकर बनाई है, मुझे पता है तुम्हें मेरे हाथ की इलायची वाली चाय बहुत पसंद है ना। मुझे नहीं पीनी चाय। बस कर दो, खत्म कर दो ये नाराजगी। जैसे भी हो बहन हो तुम्हारी, कब तक नाराज रहोगे तुम मुझसे? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, पर जो होना था हो गया ना। मेरा यकीन करो, मुझे इस बात का बहुत पछतावा है अर्जुन। पता नहीं कैसी गलत फहमी हो गई, मुझे सच में अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। पर मेरा यकीन करो मेरे भाई, मेरा मकसद ना कभी भी तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं था मेरे भाई। मैं भला कभी जानबूझकर तुम्हें दुख दूंगी? नहीं नहीं, बीच में ऐसी गलत फहमियाँ पैदा हो गई, मैंने उन्हें सुलझाने की कोशिश की, मगर सुलझाते सुलझाते ना मैं खुद ही उनमें उलझ गई और बात बनने के बजाय ना बिगड़ती चली गई। अच्छा देखो, अब भी अगर तुम मुझे कसूरवार समझते हो ना, देखो हाथ छोड़कर मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ अर्जुन। अर्जुन मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मेरे दुनिया में तुम्हारे अलावा और है कौन? हाँ बेटियाँ और बहने अपने मायके में ना अपने बाप और भाई के सहारे आगे बैठती हैं। अब्बा तो चले गए, मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहती हूँ। बेटा माफ कर दो ना, देखो अपना कसूर मान रही है ना। अमीर से कहे अगर नहीं करता ना मुझे माफ, आज तो आज साफ साफ मेरे मुंह पे कह, कसम खा रही हूँ कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी फिर। लेकिन अम्मी इसकी पैरों के ना मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती। और अम्मी 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 कौन से भाई बहन होते जिनमें लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता? लेकिन क्या इसका ये मतलब कि वो आपस में ताल्लुक क्यों खत्म कर दे? अम्मी बताइए अम्मी। बस भी कर दो उसे मियाँ, मैं कितना रुलाओगे अपनी छोटी बहन। अम्मी जी इसे मुझे माफ कर दिया? हाँ हाँ कर। की बात मानी है मैंने।